आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं और देर रात तक घर वापस लौटकर नहीं आते तो परिजनों को चिंता होती है, और जब आप वापस आ जाते हैं तो ये चिंता खत्म हो जाती है क्योंकि परिजनों को लगता है कि घर में हैं तो सुरक्षित हैं। शायद इसीलिए बाहर जाते समय घर के बड़े बुजुर्ग ये कहते भी हैं कि समय से घर लौट आना। दुनिया में हर किसी को अपने घर के अंदर जिस सुकून का एहसास होता है, शायद इस सुकून को ढूंढने में जिंदगी बीत जाए फिर भी कहीं मिलने वाला नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप बाहर के बजाय अपने घर में ही सुरक्षित ना रहें तो अंतरात्मा से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, खाक है ऐसा सिस्टम, ऐसी कानून व्यवस्था और सरकार के बड़े बड़े दावे। बाराबंकी जिले के देवा थाना क्षेत्र के बरेठी गांव के रहने वाले पीर अली, जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी और दोष सिर्फ इतना था कि वो मुफलिसी के चलते झोपड़ी में रहते थे। इस कारण उनके घर में चार दीवारी नहीं थी। शुक्रवार की रात को पीर अली अपने उसी झोपड़ी में सुकून की नींद सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने जा रही है। झोपड़ी में रहने वाले पीर अली की किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी आपको पता भी नहीं होता और जाने अनजाने में कोई ना कोई दुश्मन बन जाता है। कुछ यही मृतक पीर अली के साथ भी हुआ। शुक्रवार की रात अपने झोपड़ी में सो रहे पीर अली पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। रात के अंधेरे में किया गया हमला इतना जोरदार था कि पीर अली उस रात की सुबह नहीं देख पाए। उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही बाराबंकी के एसपी अरविंद चतुर्वेदी मौके पर पहुंच गए और मामले का जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस टीम का गठन भी कर दिया। आज जानकारी प्राप्त हुई थी कि थाना देवा के अंतर्गत बरेठी गांव में पीर अली नामक व्यक्ति हैं, 60 वर्ष अवस्था है जिनकी, उनकी बीती रात हत्या कर दी गई है धारदार हथियारों से। मैं मौके पर गया था, वहाँ पर जानकारी हुई कि वो अपने घर के कच्चे मकान के बाहर खुले में छप्पर के नीचे सो रहे थे। सवेरे जब परिवार वाले उन्हें चाय देने के लिए गए तो उन्होंने पाया कि उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी गर्दन पर और चेहरे पर धारदार हथियार से घाव के निशान थे। तहरीर प्राप्त हो गई है, इसके आधार पर जल्द से जल्द इसका अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि बाराबंकी की देवा पुलिस की सक्रियता कितनी जल्द इस मामले का खुलासा करती है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर उनकी जिंदगी की गारंटी क्या है। बाराबंकी से NTTV भारत के लिए श्रवण चौहान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।